Hey beautiful viewers, I am Monika and welcome back to my channel. तो आप सोच रहे हैं मैं क्या खा रही हूँ बेवकूफ़ों की तरह, तो मैं बता दूँ, ये है मेरा फेवरेट, मेरे भाभी के हाथ का बनाया हुआ ब्रेड पकौड़ा, तो वो मैं खा रही हूँ। तो आप लोग टेंशन ना लें, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये सबसे पहले तो ये घर के इंग्रेडिएंट से बनता है और इसमें ज़्यादा टाइम थोड़ा लगेगा, बट ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाने में और खाने में बहुत ज़्यादा इजी। और तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं, चलिए बनाते हैं। घर का खाना खा करके बोर हो गए हैं और बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, और स्ट्रीट ब्रेड पकौड़ा बहुत ज़्यादा याद आ रहा है आप लोगों को, मतलब या फिर ब्रेड पकौड़ा बहुत खाने का मन कर रहा है और खा नहीं पा रहा क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं, तो इसी के लिए तो इसीलिए मैं आज ब्रेड पकौड़ा बताऊंगी। मतलब मैं नहीं, मुझे मैं ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाती हूँ, मैं हल्का फुल्का खाना बना लेती हूँ, बट जैसे ब्रेड पकौड़ा है तो वो भाभी बनाएंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मेरे भाभी का हाथ खाते ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए आलू लेंगे और मैं यहाँ ज़्यादा आलू ली हूँ क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा बनेगा, आप अपने अकॉर्डिंग आलू लेना। और फिर प्याज कटा हुआ, दो प्याज है, और लहसुन दो लहसुन, 5-7 लहसुन, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2.5 चम्मच, मिर्ची पाउडर 2.5 चम्मच, जीर मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1-1 चम्मच, लाल मिर्च और तेज़पत्ता, इतना ही इन्ग्रीडियंट चाहिए। और एक और कुछ भी होगा, मूंगफली, नमक, ये आप अपने अकॉर्डिंग रखना। मूंगफली भुजा हुआ, और अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई, अब उसमें रखेंगे तेज़पत्ता, लाल मिर्च, जब तक जीरा सब रखना है उसमें, लहसुन, प्याज। मसाला बना लेते हैं ब्रेड पकौड़ा का। अब इसे भूजेंगे कुछ देर तक, जब तक वो गोल्डन हो जाए, और आलू को मैश कर लेना अच्छे से। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, प्याज भुजा चुका है, अब इसमें रखेंगे मसाला, धनिया पाउडर, जितना भी मसाला था वो सारा मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब मसाला, जितना मसाले लिए थे वो सब रखना है और मसाले को अच्छे से भूनना है। दुकान में यही होता है कि एक तो सब कुछ मिलता नहीं है अच्छे तरीके से, और फिर मुझे तो दुकान से बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर का ही लगता है। और आप लोग भी ऐसे बना कर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना मसाला आपको पहले बता चुकी हूँ मैं, उतना ही रखना है, और इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि ये मसाला जो है वो जले ना और ख़राब ना हो। और फिर मसाला ऐसे इस तरीके से भूनना है, और फिर उसमें मूंगफली डाल देंगे। अब मूंगफली के साथ मसाले को भूनेंगे अच्छे से, और मसाला को जले ना इसलिए पानी डालना है, और ज़्यादा पानी मत डाल देना। अब मसाला अच्छे से भून जा जाए मूंगफली के साथ, तो उसके बाद इसमें आलू, और मूंगफली भूंजा हुआ लेना है, कच्चा मूंगफली नहीं लेना है। आलू भूजेंगे इसके साथ अच्छे से मसाले में मिला करके। आलू भूजने में आपको 2 मिनट या 3 मिनट लग जाएगा। अब इसमें नमक आप अपने अकॉर्डिंग रखना, अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा कम करके आप अपना रख सकते हैं नमक। फिर उसे आलू को आलू में मिक्स कर देंगे अच्छे से, फिर आलू भूज देंगे, और मेरा रेडी हो गया था आलू। अब टेस्ट के लिए लेंगे बेसन, लाल मिर्च 1 चम्मच, और हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और जीर मिर्च पाउडर 1 चम्मच रखना है पेस्ट में। बेसन आप अपने अकॉर्डिंग रखना, मैं यहाँ पे 1 कटोरी बेसन ली हूँ, और नमक भी रखना है, नमक आप अपने अकॉर्डिंग रखना टेस्ट के हिसाब से, आपको कम या ज़्यादा करके जैसे रखना हो। अब इसमें मिलाएंगे पानी ताकि पेस्ट बन जाए, और ज़्यादा पानी नहीं रखना है। अब बेकिंग पाउडर रखना है पेस्ट में ताकि जो क्रंची हो ब्रेड पकौड़ा, और मेरा पेस्ट इस तरीके का होना चाहिए। बन चुका है, ब्रेड कट करते हैं। तो एक ब्रेड लेंगे और ब्रेड को बीच से कट करना, जैसे मैं इस वीडियो में कट कर रही हूँ आप वैसे ही कट करना, ट्रायंगल हो जाए, जैसे एक ब्रेड से 2 ट्रायंगल निकले वैसा कट करना है, अच्छे तरीके से कट कर लेना। ऐसे ही करके आपको जितना ब्रेड कट करना आप कर लेना, इस तरीके का। अब इसमें आलू भरेंगे, आलू ज़्यादा से लेना, और यही खास बात है
एक खास बात है कि दुकान का ऑर्डर का ब्रेड पकौड़ा, तो घर के ब्रेड पकौड़े में आलू ज़्यादा होता है इसलिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आलू ज़्यादा से लेना है, फिर ऊपर से एक ब्रेड का रख देंगे कटा हुआ ऐसे करके, और फिर इस तरीके का होना चाहिए। आज ज़्यादा आलू होने पे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में ब्रेड पकौड़ा। इस तरीके से बिल्कुल लेना है, फिर उसे पेस्ट में लगा देंगे, दोनों तरफ से पेस्ट अच्छे से लगा देना है। फिर ऑयल गर्म करके उसे रख देंगे और रेड ब्राउन होने तक तलेंगे, फिर प्लेट में निकालेंगे और खा लेंगे। अब इसे मैं दिखा देती हूँ। अच्छी है ये, तो आप भी अपने घर पे जरूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो देख लिए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए कि आपको कैसा लगा। और फिर जाते जाते मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या, और कुछ नहीं, और सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ पीस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन आप जाते जाते मेरे चैनल को जरूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप चाहिए, आप भी बनाइए और खाइए, मैं तो खा रही हूँ।